आज विदेशी रंग में रंग के भारतवासी बोराए, दहशत से खाली ना दिखे गली मोहल्ले चौराहे। नीचे गिर जाओ भैया, करो आपस में, करो करो आपस में, छोटू इधर देख ले, करती जल्दी चलाओ कोई भी, हेलो फ्रेंड्स, गांव है भ्रापटी और मैं कई सालों से सोच रहा था कि एक बार मैं अपने गांव में शूट करूं। आज मैं पहली बार अपना पहला गाना शूट कर रहा हूं और इसके बाद ठाकर छोरे कुमार जी आ रहे हैं। धन्यवाद। अभी नहीं, रुक जाओ, बच्चे हट जाओ, आप तो दो लाइनें बोल लिए बस, और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, आपको बोला है बस, दहशत से खाली ना दिखे गली मोहल्ले चौराहे, ये थोड़ा गाके बोला। ठीक है, दहशत से खाली ना दिखे, कैसे ये बोलेंगे ना, पहले ये बोलेंगे, इनके पीछे आप लोगों को बोलना है। ठीक है, हाथ भी डाला है ऐसे ही, दहशत से खाली ना दिखे गली मोहल्ले चौराहे, कोई कैमरे की तरफ नहीं देखेगा। आज विदेशी रंग में रंग के भारतवासी बोराए, ये समाज पर आधारित है। इसको मैंने 4 साल पहले लिखा, कई बार मैंने इसे स्टेशनों में गाया तो लोगों ने बहुत पसंद किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगता। और एक दिन मैंने मन भी बनाया क्यों ना ये अपना गीत घर घर तक पहुंचे। लेकिन अमरिंदर सिंह जो है वीएस मोशन के डायरेक्टर, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि कौशल, कोई समाज पर आधारित गीत है? मैंने कहा हाँ सर है, और मैंने उनके लिए अपने गीत की 2 लाइन सुनाई। उन्होंने देसी रंग में रंग के भारतवासी बोराए, दहशत से खाली ना दिखे गली मोहल्ले चौराहे, विदेशी रंग में रंग के भारतवासी बोराए, दहशत से खाली ना दिखे गली मोहल्ले चौराहे। उन्होंने जब स्थाई सुनी, उन्हें गीत बहुत पसंद आया और तुरंत ही उन्होंने मुझे बोल दिया कि बस देरी मत करो, आज बस ट्रेन पकड़ लो और बरेली आ जाओ, और मुझे बुला लिया और इसका म्यूजिक कराया। दहशत फैली घर घर मोशन के हमारे डायरेक्टर विक्रम इंदा जी जब मेरे पास लाए, तो गीत को मैंने जब पढ़ा तो इसकी लेखनी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं काफ़ी असमंजस में हो गया कि मैं इसकी जो कंपोजिंग है किस तरीके से बनाऊँ, इसकी धुन किस तरीके से बनाऊँ। फिर मैंने कई इस पर कंपोजिंग बनाई, 2-3 कंपोजिंग बनाई, पर मुझे वो अच्छी नहीं लगी। और एक दिन रात में बैठे बैठे अचानक रात के करीब 1 बजे मैं लेटा हुआ था और मेरे दिमाग में कंपोजिंग आई। फिर वो कंपोजिंग मैंने तुरंत अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करी और उसकी धुन को मैंने बनाया, और वो धुन जो थी वो लोगों को बहुत अच्छी लगी। और
और उसके बाद इसका वीडियो भी बन चुका है। अब बेटी घर से चले, माँ बाप का हृदय हाल है, कोई पापी राक्षस मारी बगिया नोच न डाले, कोई पापी राक्षस मारी बगिया नोच न डाले। अब देखना कैमरे की तरफ, विक्रम बिंदास।